हेलो एवरीवन बेब क्वेश्चन इज टेंजेंट एंड नॉर्मल आर ड्रोन एट पी सिक्सटीन कॉमा ऑन द पैराबोला बाई स्क्वायर इक्वल टू सिक्सटीन एक्स विच इंटरसेक्ट द एक्सिस ऑफ द पैराबोला एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली इफ सी इज द सेंटर ऑफ द सर्किल हुज सर्किल थ्रू द पॉइंट पी ए बी एंगल सी पी बी इक्वल टू थीटा देन द वैल्यू ऑफ टेन थीटा हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि

सी सेंटर है एक सर्किल का तो अगर यहाँ पे हम डायग्राम बनाए तो क्या आ जाएगा यहाँ पर मुझे हमें एक ऐसा सर्किल चाहिए जिस जो क्या कर रहा हो पॉइंट पी से पास हो रहा हो तो यहां से एक ऐसा सर्किल हमें यहाँ पे क्वेश्चन ड्रॉ करना है जो कि क्या हो गया यहाँ से पॉइंट ए और किससे पॉइंट पी से पास होता हो और किससे यहाँ से ये यह क्या हो गया पी से हो गया और ये ए हो गया और यहाँ से ये क्या हो गया ये बी हो गया मतलब कि हमें इस सर्किल का क्या ये सर्किल होगा जो किस से पास होगा पॉइंट ए से पास होगा यहाँ पर पॉइंट पी ए और क्या हो गया? यहां से बी से पास हो रहा था इसका सेंटर क्या होगा यहाँ पी ये सी होगा तो हमें यहाँ क्या फाइंड आउट करना है कि एंगल हमें एंगल क्या सी पी बी चाहिए सी पी बी चाहिए यहाँ पर तो सबसे पहले एक स्टैंडर्ड पैराबोला की बात करें तो वाई क्या अगर फोर ए एक्स दिया हो और इसके लिए हमें यहाँ से, से क्या टू होता है इस फॉर्मले अकॉर्डिंग जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पी की क्या हो जाएगा ए हो जाएगा क्या सिक्सटीन बाई हो जाएगा सिक्सटीन वाई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से क्या सिक्सटीन इन x प्लस में हो जाएगा क्या 16 डिवाइड बाई आ जाएगा यहाँ से 2 तो यहाँ से ये क्या कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 बाई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से क्या x प्लस में 16 आ जाएगा तो क्या इक्वेशन हो जाएगी x माइनस हो जाएगा यहाँ से क्या 2 बाई और प्लस हो जाएगा सिक्सटीन इक्वल टू जीरो क्या हो गया यहाँ से टेंजेंट की इक्वेशन हो गई तो टेंजेंट की इक्वेशन हमें क्या नॉर्मल चाहिए एक प्रॉपर्टी होती है जैसे ax प्लस में बी बाई और प्लस में क्या सी इक्वल टू जीरो नॉर्मल होती है होती, टेंजेंट की होती। तो हमें यहाँ पे ये लाइन दे रखा है तो इसके परपेंडिकुलर अगर हम लाइन इक्वेशन तो क्या हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा बी एक्स हो जाएगा और माइनस ए बाई प्लस में क्या लेमडावल टू जीरो होता है ये इस लाइन की परपेंडिकुलर की मतलब हमने क्या किया है कि एक्स कोफिशिएंट को आपस में इंटरचेंज कर दिया और जब यहाँ पे प्लस साइन रहता था हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं जो माइनस होता था हम क्या प्लस कर देते हैं इसके अकॉर्डिंग जब यहाँ से क्या वैल्यू हो जाएगी, हो जाएगी टू एक्स हो जाएगा और प्लस टू लेमडाई प्लस की और ये क्या हो जाएगा यहाँ से नॉर्मल की जाएगी और हमें पता है कि नॉर्मल कहाँ से पास हो रहा है पॉइंट पी से पास हो रहा है क्योंकि दोनों पॉइंट उसी पॉइंट से हमें टेंजेंट टू नॉर्मल चाहिए हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया पॉइंट पी के लिए और यहाँ से ये आ गया तो जब यहाँ पे की इक्वेशन क्या हमें पॉइंट पी दिया है कितना दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा थर्टी टू हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा थर्टी टू और प्लस में हो जाएगा सिक्सटीन और प्लस क्या हो जाएगा लेमडा टू जीरो तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी लेमडा प्लस में हो जाएगा यहाँ से क्या फोर्टी एट हो जाएगा इक्वल टू जीरो तो हम यहाँ पे लेमडा की क्या वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी लेमडा इक्वल टू हो जाएगा माइनस में फोर्टी एट तो इक्वेशन इक्वेशन ऑफ और प्लस में हो जाएगा यहाँ से फोर्टी एट इक्वल टू जीरो हमें यहां पर. फिर हमें पता है कि दोनों एक्सिस पे कट कर रही हैं दोनों को कट रही हैं कहा एक पॉइंट ए पे कट करिए दूसरी पॉइंट बी पे कट रही है कर रही, कर रही जब यहाँ पे एक्स इक्वल टू हम जीरो मतलब एक्स एक्सिस कट कर रही है तो बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका जीरो होगा और जब यहाँ पे इसको करें यहां पे जब क्या फाइंड एक्स इक्वल टू सिक्सटीन आ जाएगा तो ये क्या शो कर रहा है यहाँ से कोऑर्डिनेट ऑफ ए शो कर रहा है यहाँ पे माइनस सिक्सटीन आएगा तो ये क्या यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ ए शो कर रहा है इट मीन ये क्या हो जाएगा माइनस में जाएगा क्या सिक्सटीन कोमा जीरो और पॉइंट बी हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट हो जाएगा पॉइंट बी आ जाएगा क्या 24, 0 हो जाएगा और यहां से ये पॉइंट फाइंड आउट हो गया और हम क्या देख रहे हैं कि ये क्या है ये सर्किल सेंटर भी इसी लाइन में है और ये पॉइंट ए बी मतलब ए बी क्या हो जाएगा इसका डायमीटर हो जाएगा जब ए बी डायमीटर हो जाएगा तो पॉइंट सी क्या हो जाएगा इसका मिड पॉइंट कहलाएगा जब ए बी इसका मिड पॉइंट कहलाएगा तो हम सोरी सी सी क्या होगा ए बी का मिड पॉइंट होगा तो यहाँ से मिड पॉइंट फॉर्मला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सिक्सटीन यहाँ पे क्या आ जाएगा ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा सिक्सटीन प्लस हो जाएगा ट्वेंटी फोर अपान में क्या टू हो जाएगा कॉमा क्या जीरो आ जाएगा इसको हम कुछ इस तरीके से राइट डाउन करें फाइंड आउट हो जाएगी माइनस सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी फोर क्या हो जाएगा यहाँ से एट हो जाएगा एट बाई क्या टू कोमा जीरो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी ये 4 कॉमा क्या जीरो आ जाएगा तो हमें कोऑर्डिनेट ऑफ सी फाइंड आउट हो गया हमें यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट ऑफ सी आ गया और क्या दिया हुआ है यहाँ से पी सी बी दिया हुआ है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं स्लोप ऑफ क्या फाइंड आउट करते हैं यहाँ से एम पी सी फाइंड आउट करते हैं तो एम पी सी क्या हो जाएगा वाई टू हो जाएगा वाई के हमें दो पॉइंट दिया हुआ है अपान में हो जाएगा इसका एक्स टू हो जाएगा

पी pv फाइंड आउट करते हैं तो बी हमें क्वेश्चन में कितना फाइंड आउट हुआ 24,0 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 माइनस हो जाएगा 0 डिवाइड बाय हो जाएगा क्या 16 माइनस में 24 यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 माइनस -8 हो जाएगा क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस में क्या 3 हो जाएगा सॉरी माइनस -2 हो गया यहां पर ये यह क्या -2 आ जाएगा अब हमने ऐसा क्यों किया हम बाद में बताएंगे जैसे हमें अब क्या चाहिए यहाँ पे पी और पी के बीच एंगल फाइंड आउट करना है हमें क्वेश्चन में कहने का मतलब यही है एंगल ए यहाँ पे क्या चाहिए एंगल क्या चाहिए सी तो दो लाइन के बीच हमें एंगल दिया हो तो उसको फाइंड आउट करने क्या फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से क्या मॉडल ऑफ होगा एम माइनस में होगा एम डिवाइडेड बाई वन प्लस

और इसके डिवाइड में भी क्या थ्री आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा सिक्स प्लस फोर क्या टेन हो जाएगा टेन अपान में क्या माइनस में फाइव तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से मॉडलस ऑफ माइनस टू तो क्या आ जाएगा यहाँ से टू के इक्वल हो जाएगा तो हमें यहाँ पे टेन थीटा की क्या वैल्यू फाइंड आउट होगी थीटा इज इक्वल टू माइनस में टू आ गया सॉरी टेन थीटा इक्वल टू प्लस टू होगा तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ से थीटा इक्वल टू टू मीन यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही मेरा क्या होगा करेक्ट हो जाएगा कि टू के इक्वल हो जाएगा